हिंगोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. भविष्यातील दूरदर्शी राजकीय विचारवंत तयार करण्याच्या उद्देशानं भारतीय छात्र संसद फाउंडेशनच्या वतीनं 3 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जाते. भारतीय छात्र संसदेला यंदाच्या वर्षी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्तपणे सहभाग लाभला. या कार्यक्रमात देशातील प्रमुख राजकीय नेते आणि प्रतिष्ठित व्यक्ती आपले अनुभव आणि विचार देशातील विविध भागातून आलेल्या तरुणांसोबत व्यक्त करतात. सुशिक्षितांनी राजकारणात प्रवेश केला पाहिजे असं भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक राहुल कराड म्हणाले. स्वातंत्र्य दिनाचे राष्ट्रीय दिवस असे नामकरण करण्याची वेळ आली आहे असंही ते पुढे म्हणाले. श्री सत्यपाल सिंह बघेल, अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, इज प्रेजेंटली अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट in the Ministry of Law and Justice in the second run of the Narendra Modi government. We warmly welcome Shri Satyapal Singh Baghel. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the chief guest of this session, Professor Satyapal Singh Baghel ji. Jo bachche isme bhag le rahe hain, kuch first, second, third bhi aayenge, award bhi payenge. मुझे लगता है जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना प्रतिभाग करना जरूरी होता है. जो जीतेंगे अग्रिम रूप से, चूंकि ये इनॉग्रेशन सेशन है, मैं तीसरे दिन आता तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आता, उनको एडवांस में बधाई देना चाहूंगा. और इस अवार्ड का मतलब केवल एक शॉल, दुपट्टा, श्रीफल, ट्रॉफी नहीं होती है. ये जीवन में परिवर्तन लाती है, ये कैटलिस्ट का काम करती है, ये उत्प्रेरक का काम करती है, ये प्रेरणा देती है. शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व तो मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं. लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूंगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो परिंदा खोल क्यों नहीं देते, पिंजरा खोल क्यों नहीं देते. अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो. और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद, मुर्दाबाद, और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा. तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए. इन नोन ह्यूमन हिस्ट्री, ये मेरा शब्द नहीं, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे वेंकैया नायडू साहब, जिन्होंने वर्णन किया, दिस विल बी अनदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज हिज अप्रिशिएशन. बट व्हाट फॉर? द बेसिक इश्यू इज इट रिवील्स एंड एक्सप्रेसेस द वेरी प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेचर एंड लाइफ. अभी नेचर की बात हो गई, टू बी इन ट्यून विद द नेचर, ऐसी भी बात है. तभी समझने की कोशिश करो कि संस्था के अंदर आते ही वो सामने संत ज्ञानेश्वर का फोटो रखा है, मूर्ति रखी है, क्या मकसद भाई? ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इट्स अ वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैचू विच वॉज केप्ट एट द वेरी डोर स्टेप ऑफ द इंस्टीट्यूशन? लेट मी ओनली फ्रेंड्स वेरी ब्रीफली टेल यू that I am a student of engineering. As such, I never wanted to be an engineer myself. But I became an engineer, became a teacher, a professor, started MIT, and today we have started the MIT World Peace University based on the understanding, appropriate understanding of the role of science and spirituality. National Students Parliament has a deep-rooted passion and fire to show the pathway. ये लीडरशिप बनाना, नेता होना, राजनीति की बात करना, लेकिन राजनीति का सही मकसद क्या है?
ये समाज का कल्याण, समाज का हित, विश्व शांति की बात, विश्व कल्याण की बात, ये भारत का दायित्व है। वो रास्ता दिखाने के लिए ये प्रयास है। मैं आपको अभिवादन करता हूँ सबको। मिस्टर धीरेन्द्र सिंह administers an oath to all of us. I would like to request you to please listen to his words carefully and then follow him. हम सभी भारतीय छात्र संसद के प्रतिभागी ये प्रण करते हैं कि हम भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहकर अपनी भारतीयता को दृढ़ करेंगे। हम हमारी बुद्धि, भाषा, आचार और विचारों से जागृत विश्व नागरिक बनेंगे। हम व्यक्तिगत उद्देश्यों से ऊपर उठकर सही मायने में भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए बदलाव के संवाहक बनेंगे। राष्ट्र निर्माण, बहुमुखी विकास व देश सेवा के प्रति समर्पित होकर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और राजनीति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।